स्मार्ट स्कूल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान भारी गोलाबारी की गई। गोलाबारी की चपेट में आने से सेना के 5 फोटर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं उपचार के दौरान 2 सेना के फोटर्स की जान चली गई। घायल अन्य 3 फोटरों का उपचार चल रहा है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का माकूल जवाब दे रही है। जेएनयू में प्रदर्शनकारियों छात्रों के बीच अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पहुंचने पर भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं जानना चाहती हूं कि आखिर वो राजनीतिक रूप से किसके साथ जुड़ी है। अभिनेत्री पर हमला बोलते हुए स्मृति ने कहा कि जिसने भी ये खबर पढ़ी होगी वो ये जानना चाहता होगा कि दीपिका प्रदर्शनकारियों के बीच क्यों गयी। राम मंदिर ट्रस्ट बनने से पहले ही श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महंत नित्य गोपाल दास को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सरकार ने नव निर्मित सैन्य मामलों के विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सूत्र के अनुसार CDS के अधीन काम करने वाले इस विभाग में 2 संयुक्त सचिव, 13 उप सचिव और 22 अपर सचिव तैनात होंगे। इस मंत्रालय की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत करेंगे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में जारी पाबंदियों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को मोदी सरकार के लिए वर्ष 2020 का पहला बड़ा झटका करार दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये स्मरण कराया गया है कि देश उनके सामने नहीं संविधान के समक्ष झुकता है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की गैर कानूनी गतिविधियों को ये कहते हुए पहला बड़ा झटका दिया है कि इंटरनेट की आज़ादी एक मौलिक अधिकार है। बीते कई दिनों से दिल्ली के CM पद की उम्मीदवार की तलाश कर रही भाजपा आखिरकार इसमें नाकाम रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं करेगी। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से भाजपा के अंदर से ही जो कई नाम इस पद के लिए सामने आ रहे थे उन सभी अटकलों पर फिलहाल के लिए विराम लग गया है। हालांकि भाजपा द्वारा CM के नाम की घोषणा नहीं किया जाना उनके लिए बड़ी विफलता साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका को भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। बता दें कि अश्विनी उपाध्याय PMO में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर साल 2018 में प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। वहाँ उन्होंने वेंकट चलैया आयोग का भी उल्लेख किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को लेकर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को ये आरोप लगाया कि मोदी बजट के संदर्भ में किसानों, युवाओं, महिलाओं और छोटे कारोबारियों की आवाज़ नहीं सुनना चाहते। उन्होंने बैठक की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, बजट को लेकर मोदी की सबसे गहन विचार विमर्श बैठक उनके पूंजीपति मित्रों और सबसे अमीर लोगों के लिए आरक्षित होती है। उच्चतम न्यायालय ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने के नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति बी.आर. गवाई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली टाटा सन्स की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। इतना ही नहीं, मिस्त्री समेत अन्य को नोटिस भी जारी किया गया है।